देखिए जरा टॉपिक का मतलब समझिए पहले, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, थोड़ा नया वर्ड है, ठीक है, कुछ एब्सोल्यूट पकड़ में आ रहा है कुछ, क्या होता है एब्सोल्यूट, क्या होता है मॉड वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू। तो मॉडुलस वैल्यू की जरूरत कहाँ पड़ती है भाई, कहीं पर प्लस भी है माइनस भी है तो फिर मॉडुलस चाहिए आपको। भाई मान लीजिए आपको मैं कहूँ वन प्लस वन अपान टू, क्या बोला, मॉड ऑफ, नहीं तो मॉड ऑफ वन प्लस एक्स डिपेंड करता है एक्स पर, ऐसे कैसे कहते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, इसको वन प्लस एक्स पॉजिटिव लिखेंगे अगर वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, और माइनस वन प्लस एक्स लिखेंगे अगर वन प्लस एक्स इज लेस देन जीरो है, यानी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज लेस देन माइनस वन। अब आप कहेंगे मॉड निगेटिव तो होता नहीं है, अरे भाई मैं कहना चाहता हूं कि माइनस फाइव का मॉड करना है, तो आपने कहा माइनस और यहां माइनस फाइव है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइव, लेकिन यहां प्लस साइन ही लगाएंगे आप। मॉड का मतलब होता है विदाउट साइन, वो एक अलग की बात है, मैथमेटिक्स में विदाउट साइन का मतलब पॉजिटिव होता है, एक अलग चीज है, बट यू कैन नॉट यूज दिस पॉजिटिव साइन हियर, समझ में मॉड। अच्छा समझिएगा, अब इसका मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्यों कहा गया, पहले समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपसे कहूँ वन प्लस वन अपान टू प्लस वन अपान थ्री प्लस वन अपान फोर प्लस वन अपान फाइव प्लस वन, तो आपको देखने से लग रहा है कि ये सीरीज डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग है तो घटते घटते क्या इसमें नेगेटिव टर्म भी आएगा, नेगेटिव टर्म भी आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, निगेटिव टर्म कहाँ से आ जाएगा, तो ये टू थ्री ये तो बढ़ रहा है पॉजिटिव साइन, चूंकि डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है, लेकिन इससे निगेटिव टर्म तो आएगा नहीं, तो ये घटते घटते आपको दिख रहा है कि जीरो तक जा रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ वन माइनस वन अपान टू प्लस वन अपान थ्री माइनस वन अपान फोर प्लस वन अपान फाइव माइनस वन अपान सिक्स, क्या कुछ इसके बारे में कह सकते हैं आप, नहीं कह सकते आप कुछ, नहीं नहीं आप कैसे कह सकते हैं, वन अपान माइनस वन अपान टू बड़ा है, माइनस माइनस वन अपान, अच्छा बताइए वन अपान टू और वन अपान फोर, अच्छा बताइए टू और फोर में कौन बड़ा है, फोर बड़ा है, और वन अपान टू और वन अपान फोर में कौन बड़ा है, वन अपान टू बड़ा है, अब कौन बड़ा है, माइनस वन अपान फोर। तो आप इसमें समझ में नहीं आ रहा ना कि ये डिक्रीजिंग जा रही है कि इंक्रीजिंग जा रही है, समझ में बात आई नहीं आई है। जब मैं वन को देखता हूं, वन अपान थ्री को देखता हूं, वन अपान फाइव को देखता हूं, तो लग रहा है डिक्रीजिंग है, और जब मैं माइनस वन अपान टू को देखता हूं, प्लस वन अपान माइनस वन अपान फोर को देखता हूं, माइनस वन अपान सिक्स को देखता हूं, लगता है इंक्रीजिंग है। तो मैं इसको देख करके नहीं बता सकता कि भाई ये एक जगह कन्वर्ज हो रही है कि ये क्या हो रही है, लफड़ा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी टर्म होते हैं ना उनका मॉड ले लेते हैं, सबका मॉड ले लेते हैं, ठीक है, अब उसकी कन्वर्जेंसी हम टेस्ट कर लेते हैं, समझ में बात आई नहीं आई। तो पहली बात तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी एप्लीकेबल कहाँ पर है, जहाँ पर सीरीज में अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्म आवे, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन होने लगता है कि आखिर हम टेस्ट कौन सा लगाएं, हम इसको इंक्रीजिंग कहें या डिक्रीजिंग कहें। पॉजिटिव टर्म को देख रहे हैं तो लग रहा है डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव को देख रहे हैं लग रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी थ्योरी लिख देंगे, सीरीज देखिए हम यूएन लिखते हैं तो ये एंथ टर्म ऑफ सीरीज होता है, ठीक है, और जब हम सिग्मा लिख देते हैं एन वेरिंग फ्रॉम एन नॉट टू इन्फिनिटी, कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, मैं नॉट लिखे दे रहा हूँ, ज़्यादातर बुक्स में वन टू इन्फिनिटी लिखा होता है, आप लिखने को वन टू इन्फिनिटी कर सकते हो, लेकिन ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है ना। विच कंटेन्स बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। अब ये अल्टरनेटली नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं समझे, मतलब इसको अल्टरनेटली आप कह दें कि पॉजिटिव निगेटिव, तो ऐसा नहीं है,
ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स और निगेटिव दोनों हो, इज मतलब आप लिख दो, चाहे आप इसे चाहे लिख दो, नॉट नेसेसरली अल्टरनेटिंग, नॉट नेसेसरली अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग मतलब कुछ पॉजिटिव हैं फिर तीन निगेटिव हैं फिर दो और पॉजिटिव हो गए, तो कंफर्म नहीं कह सकते ना कि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। तो कहते हैं इज सेट टू बी, सेट टू बी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इफ द सीरीज सिग्मा मॉड मॉड यूएन व्हेन एन वेरिंग फ्रॉम एन नॉट टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। यानी अगर हम क्या करेंगे, जो भी हमें सीरीज दी होगी ना पॉजिटिव निगेटिव टर्म की, उसके सभी टर्म का मॉड ले लेंगे, नहीं समझे, और इसके बाद हम, इसके बाद हम क्या करेंगे उसका कन्वर्ज, उसको निकालेंगे मतलब चेक करेंगे कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो अगर वो कन्वर्जेंट है तो कहेंगे वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एक्चुअली में वो कन्वर्जेंट दिख नहीं रही थी आपको, आपने जबरदस्ती क्या किया निगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव मान करके आपने उसको कन्वर्जेंट प्रूव किया, इसलिए इसको कहा जाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ में बात नहीं आई, लेकिन अब हो समझ में आ गई बात ना, अब लेकिन नोट कर लिया ना, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए इसके साथ में कि मान लेते हैं कि अगर सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, मान लेते हैं कोई ऐसी सीरीज आ गई कि इफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, मैं सी लिखे दे रहा हूं, सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है एंड सिग्मा मॉड यूएन इज डाइवर्जेंट है, अब हम क्या करेंगे, यहां सिग्मा यूएन तो कन्वर्जेंट है लेकिन मॉड डाइवर्जेंट है, तो इसको कन्वर्जेंट कहें या डाइवर्जेंट कहें, तो कहते हैं कि अब सिग्मा यूएन कंडीशनली कन्वर्जेंट है मतलब एब्सोल्युटली नहीं है, देन सिग्मा यूएन इज नोन एज, देन सिग्मा यूएन इज नोन एज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। समझ में बात नहीं आई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब मैं आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी का एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है, और उसमें कैसे उसको अप्लाई करेंगे क्या करेंगे वो देखा जाएगा, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कंडीशनली कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट पूछ सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ शायद आपकी बुक का ही है ये, शायद इसलिए करें हमको ध्यान नहीं है, डिटरमाइन चूंकि आपका पीडीएफ फॉर्म में है तो उससे नोट करना पड़ता ना, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, कंडीशनल कन्वर्जेंस। जब मैं कन्वर्जेंस कहता हूं तो उसके अंदर डाइवर्जेंस अपने आप छुपा होता है कि भाई सिंपल सी बात है वो कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्ज, एब्सोल्यूट आर कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन क्यू प्लस वन। समझ में आई बात नहीं आई, अब हम पहले तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का टेस्ट करने जा रहे हैं, देखो सोल्यूशन, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में हमको क्या करना पड़ेगा देखो आप कहेंगे देखो यहां पर यूएन की वैल्यू है माइनस वन टू पावर एन, एन स्क्वायर अपान एन क्यू प्लस वन, सिग्मा लगाएंगे ना लगाए, यहां पर सिग्मा नहीं लगेगा भाई, मैं यूएन लिख रहा हूं, मैं सिग्मा यू नहीं लिख रहा हूं, मैं एंथ टर्म लिख रहा हूं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, जब एन को वन रखेंगे तो नेगेटिव टर्म आएगा, सो मैं मॉड यूएन निकालूंगा तो
ये आएगा एन स्क्वायर अपान एन क्यू प्लस वन, ठीक है। तो अब इसको हम कन्वर्जन प्रूव करने के लिए कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो आपको इसमें कोई टेस्ट नजर आ रहा है, कंपैरिजन टेस्ट लगा दीजिए यहां पर। तो यहां कंपैरिजन टेस्ट लगा दीजिएगा तो क्या तरीका होता है, देखिए पहले चाहो तो आप एन स्क्वायर गायब कर दो यहां से, तो आप ऐसा करो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो या मत सॉल्व, अरे सॉल्व कर लो, इसमें एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, एन स्क्वायर कॉमन, वन प्लस वन अपान एन स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ, एन क्यूब कॉमन, नीचे एन क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ से एन स्क्वायर कट जाएगा तो वन अपान एन ब्रैकेट में वन प्लस वन अपान एन क्यूब आ जाएगा। अगर ये कन्फ्यूज कर रहा हो तो आप ना लिखो, यही लिखा रहने दो, अगर ये कन्फ्यूज़ कर रहा हो तो आप यही लिखा रहने दो। अब आपको वी एन निकालना पड़ेगा, इसके लिए एक सीरीज बनानी पड़ती है वी एन, क्या वी एन का तरीका हमने बताया था, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी ऊपर एन स्क्वायर आएगा और नीचे एन क्यूब आएगा यानी वन अपॉन एन होगा। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे, ठीक है। ये आपकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, याद आ रहा नहीं आ रहा, कंपैरिजन टेस्ट नाउ यानी वी सॉल्व इट बाय वी चेक बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे टेस्ट। तो अब क्या करेंगे, मॉड यू एन अपॉन वी एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स इन्फिनिटी यानी यह आएगा एन स्क्वायर अपान एन क्यू प्लस वन और इंटू वन अपान एन करोगे तो ऊपर एन आएगा। अब इन्फिनिटी लिमिट सॉल्व करने का तरीका आपके पास है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन क्यूब, नीचे से एन क्यूब कॉमन, वन प्लस वन अपान एन क्यूब, ये कैंसिल हो गया, एन को रखोगे इन्फिनिटी तो ये जीरो आएगा, तो यानी वन आ गया, यानी वन इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो यानी कि पहला काम क्या होता है, यू एन दिया होता है, फिर आप वी एन निकालते हैं, फिर यू एन अपान वी एन निकालते हैं, फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है, नोट कर लिया। अब कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी कौन चेक करेगा, वी एन। नाउ वी एन इज इक्वल टू क्या है, नाउ वी एन इज इक्वल टू, अगर सीरीज लिखेंगे तो सिग्मा वन अपान एन है, अगर सीरीज के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा वी जो है सिग्मा वी एन लिख दो यहां पर, ठीक है। तो बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट, सिग्मा वन अपान एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट व्हेन पी इज ग्रेटर देन वन एंड इट्स डाइवर्जेंट व्हेन पी इज लेस आर इक्वल टू वन। कि अगर हम पी सीरीज टेस्ट की बात करते हैं तो भाई पी यहां पर क्या है, हियर पी इज व्हाट, वन है। सो क्या मैं कह सकता हूं सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, नहीं कन्वर्जेंट कहां कहेंगे, हम जानबूझ के बोले थे, यहां इक्वल टू वन है ना, तो डाइवर्जेंट नहीं हो गया, इसका मतलब ये हो गया सो सिग्मा मॉड यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूं सिग्मा यू एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, कह सकता हूं ना, सो सिग्मा मॉड यू एन इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, समझ में आ गई बात। अब कंडीशनल कन्वर्जेंसी टेस्ट कैसे की जाए, तो जरा कंडीशनल कन्वर्जेंसी के बारे में बात करते हैं, फॉर कंडीशनल कन्वर्जेंसी रब कर दे। देखो कंडीशनल कन्वर्जेंसी थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसमें एक लेवनीज टेस्ट लगाया जाता है, जो कि अभी आपको या तो आगे पढ़ाया जाएगा उसमें पता नहीं है, लेवनीज टेस्ट से हम जो है कंडीशनल कन्वर्जेंसी बात करेंगे, वी अप्लाई द लेवनीज टेस्ट। तो अगर लेवनीज टेस्ट आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आपको आगे हो सकता पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब फॉर कंडीशनल कन्वर्जेंसी, कंडीशनल कन्वर्जेंसी क्या करेंगे, देखो लेवनीज टेस्ट कहता क्या है, देखो ध्यान से,
पहले हम मॉड un निकालते हैं, मैं बता रहा हूँ, मॉड un निकालते हैं, मॉड लगा रहा हूँ, तो क्या ये n स्क्वायर अपान n क्यूब प्लस वन होगा? इसके बाद आप इसके बाद का टर्म निकालो, मॉड un माइनस वन निकालो, un प्लस वन निकालो, तो क्या ये n प्लस वन का होल स्क्वायर अपान n प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन होगा? कह सकता हूँ ना। अब जरा un माइनस un प्लस वन निकालो। अच्छा ये बताइए, ये मैं un को खोल रहा हूँ, मैं मॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव है। अब मैं un और माइनस un प्लस वन मैं निकालने जा रहा हूँ। un हो गया आपका n स्क्वायर अपान n क्यूब प्लस वन, और माइनस ये हो गया आपका n प्लस वन का होल स्क्वायर अपान n प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन। चिंता मत करिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, हम बस समझा रहे हैं और ये फेयर वर्क है। अब देखो, अगर मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा एन क्यूब प्लस वन और ये आएगा एन प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन। ऊपर क्या आएगा एन इस है? नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आप डायरेक्ट लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एन प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन माइनस एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन क्यूब प्लस वन। हमको दिखाना यह है कि ये वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हम ये दिखाना चाहते हैं। अब देखो ध्यान से, हम ऐसा करते हैं कि n की कोई वैल्यू उठा लेते हैं अपने मन से, 2 उठा लेते हैं। अब 2 उठाओगे, 0 नहीं उठाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, 2 उठाओगे तो ये 4 होगा, समझिएगा। और यहाँ पर 2 प्लस 1 का होल क्यूब, 2 दिन 4 दिन 8 प्लस 1 9 होगा, यानी 4 इंटू 9 आएगा। कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना? नहीं, एक मिनट, क्यूब है, सॉरी 3 हो जाएगा ना, 3 का होल क्यूब आएगा, क्या कर रहा हूँ भाई। ये 2 लिखा, यहाँ 4 होगा, यहाँ जब 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, यानी यहाँ पर 28 आएगा। माइनस देखो, यहाँ जब 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी 9, और ये कितना आएगा 112 माइनस 81, यानी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? है ना ग्रेटर देन 0, यानी मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? यूएन बड़ा है, यूएन प्लस वन बड़ा है, यूएन बड़ा है, यूएन यूएन बड़ा है ना, और यूएन बड़ा है यानी इसके बाद वाला टर्म छोटा है, यानी ये डिक्रीजिंग है, न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग। तो पहली कंडीशन, मैं एक्चुअली लेबनीज टेस्ट बताना चाहता हूं, यानी वी अप्लाई लेबनीज टेस्ट, एल ई आई बी एन आई टी जेड, लेबनीज टेस्ट, ठीक है। तो पहले तो हमने देख लिया कि अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ये, ठीक है, और फिर ये न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग है, न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग है कि नहीं है? डिक्रीज है ना। अच्छा, कुछ टीचर उल्टा करते हैं, वो un माइनस वन में un माइनस करते हैं, तो बात वही मैं कर रहा हूँ। अगर un माइनस वन में un करोगे तब क्या होगा, वो निगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। un माइनस नहीं नहीं un माइनस वन में un माइनस करोगे तभी पॉजिटिव आएगी वैल्यू। भाई पहले वाला टर्म बड़ा है ना, बाद वाला छोटा है, अगर उल्टा माइनस कर दो तो निगेटिव आएगी वैल्यू। तो ये आप जान जाओगे ना डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो ये न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि लिमिट un टेंस टू जीरो निकालो, लिमिट un टेंस टू जीरो निकालो बाय लेबनीज टेस्ट, एल ई आई बी एन आई टी जेड, लेबनीज टेस्ट। इसमें निकालो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un का मान निकालो, कितना आएगा, जीरो आ रहा है भाई। देखो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, नीचे से n क्यूब कॉमन, 1 प्लस 1 अपान n क्यूब, यहाँ से n से एक एंड कट जाएगा तो ये जीरो आ गई वैल्यू। सो बाय लेबनीज टेस्ट, सो बाय l लिखे दे रहे हैं, लेबनीज टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, ये कंडीशन होती है। अब लेबनीज टेस्ट समझ लीजिएगा, कोई भी सीरीज अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो, पहली कंडीशन, ठीक है, न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो,
न्यूमेरिकली इसलिए कहा कि आप कहोगे 1/2, फिर कहोगे -1/3 तो आप कहोगे, या फिर 1+1/4 तो कन्फ्यूज होगा ना, ये बढ़ भी रहा घट भी रहा, न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। और लिमिट un टेंस टू un की वैल्यू 0 आ जाए तो ये कन्वर्जेंट होगा। अब देखो सिग्मा un कन्वर्जेंट है, यहाँ पर अपने un लिखा है ना, यहाँ पर सिग्मा un कन्वर्जेंट है और सिग्मा मॉड un आपका डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब एक कंडीशनल कन्वर्जेंट है। सो इट इज कंडीशनल कन्वर्जेंट, सो इट इज कंडीशनल कन्वर्जेंट, ऐसे लिख दो, कंडीशनल लिखा है कन्वर्जेंट। तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने का तरीका होता है। समझ में बात आई, नोट करें इसको।